जा करके मुलाकात कर करके मनवाने का प्रयास कर रहे हैं और भूख हड़ताल में भी बैठे। तो ऐसे हमारे उपाध्यक्ष बेरोजगार संघ के राम कंडवाल जी को मैं माइक सौंप रहा हूं। जैसा कि आप सभी विद्वत हैं, आप सभी जानते हैं कि हमने लगातार इस प्रदेश में खासकर उत्तराखंड कांस्टेबल जिसके लिए आप यहां पर आए हैं उस भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष किए और ये संघर्ष दोस्तों पिछले 1.5-2 सालों से निरंतर जारी है। पिछली बार जब 2 तारीख को गांधी पार्क में हमने बैठक की थी, बड़ी बैठक की थी, उस बैठक के बाद हमने ये तय किया था, राज्य सरकार को ये अल्टीमेटम दिया था, उत्तराखंड पुलिस को, शासन को, सबको ये अल्टीमेटम दिया था कि आप हमारी मांगों को 8 तारीख की शाम तक पूरी कर दीजिए, वरना राज्य गठन के दिन हम जो है प्रदेश में एक बड़ी रैली, भीषण रैली हम करेंगे। और लेकिन दोस्तों बड़े शर्म की बात है, ये इतने शर्म की बात है कि हमारी ये मित्र पुलिस जो खुद को मित्र पुलिस का तमगा लेके घूमती है, यही मित्र पुलिस हमारे छात्रों के साथ, युवाओं के साथ अभद्रता कर रही है। सही बात है, यही मित्र पुलिस उनको, युवाओं को जगह जगह जाकर आज राज्य गठन के दिन, जिस दिन प्रदेश की महिलाओं ने इस राज्य गठन के लिए प्रदेश की जिन महिलाओं ने सबसे बड़ी भागीदारी की, उनकी बेटियों को आज जो है जगह जगह उत्तराखंड पुलिस रोक रही है, तो ये क्या अन्याय नहीं है? क्या उत्तराखंड की महिलाओं को उत्तराखंड पुलिस आज राज्य गठन के दिन रोक सकती है कि नहीं रोक सकती? नहीं रोक सकती है। इनकी हिम्मत नहीं है, हमारा राज्य है, हमारी धरती है, और आज आप हमारे युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को आप रोक रहे हो। अगर हमारी मातृशक्ति के साथ कुछ भी हुआ, अगर हमारी माँ बहनों के साथ कुछ भी हुआ, तो ध्यान रखिएगा और गौर से सुन लीजिएगा कि हमारी मातृशक्ति हमारी बहनों के साथ कुछ भी हुआ, तो राज्य गठन के दिन ही इस प्रदेश में कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। सही बात है। हमारे युवाओं के साथ कुछ भी गलत मत कर देना। सही बात है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम शालीनता से, हम अपने तरीके से इस रैली को करने जा रहे हैं। अरे आप जगह जगह हमारे बच्चों को क्यों रोक रहे हो? आपने देहरादून को छावनी क्यों बना रखा है? जब भाजपा की रैलियां होती है, जब कांग्रेस की रैली होती है, जब किसी राजनीतिक दल की रैली होती है, तो क्या यही उत्तराखंड पुलिस हिम्मत है उन पर कि उनकी रैलियों को रोक? सही बात है। चमचे हैं, चमचे भयंकर, इनकी हिम्मत नहीं है दोस्तों, इनकी हिम्मत नहीं है। ये जानते हैं किस प्रदेश के युवा को लाठी डंडे के माध्यम से डराया जा सकता है। चमचागिरी, लेकिन ये गलतफहमी में है। चमचागिरी चल रही, चमचागिरी ये प्रूफ है कि आज 9 नवंबर 25 वर्ष के बाद आज प्रदेश का युवा जागरूक हो चुका है। आज प्रदेश का युवा अपने हकों के लिए, अपनी मांगों के लिए सड़कों पर किसी के हस्तक्षेप के लिए गुजरने के लिए तैयार है। भाई क्या गलती है? हमने क्या गलती कर दी? राम कंडवाल ने क्या गलती कर दी? हमारे बेरोजगार संघ ने क्या गलती कर दी? हमारी मांगे थी। आज दोस्तों रोना आ रहा है, और रोना दोस्तों इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे कोई नादान मांग नहीं उठाई थी,
मेरी मांग कोई नाजायज नहीं थी, हमारी मांग कोई नाजायज नहीं थी। लेकिन दोस्तों जब ये लोग आप लोगों को रोकते हैं, जब डेढ़ साल इस प्रदेश को हम संघर्ष कर रहे हैं डेढ़ साल से, तो जाकर ये लोग आप लोगों को रोकते हैं, आपको ले कहते हैं कि आपकी मांगे पूरी नहीं करेंगे, आप लोगों को जगह जगह रोकते हैं, तो दोस्तों दिल में दर्द होता है, दिल को दुखता है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों क्या हमने मुख्यमंत्री से 500 करोड़ मांग दिए? सही बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से खनन का ठेका मांग दिया? नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से किसी ये गांधी पार्क में जो बाइकें खड़ी होती है उसका ठेका मांग दिया? नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से नदियों का ठेका मांग दिया? नहीं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं भाई साहब। सही बात है, सही बात है, सही बात। इसीलिए आइंदे से उत्तराखंड पुलिस खासकर मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ, हम पढ़े लिखे जागरूक युवा, सही बात, और ये पढ़े लिखे जागरूक युवा जानता है कि संघर्ष कैसे किया जाता है, ये पढ़ा लिखा युवा जानता है। कैसे लोकतंत्र के दायरे में रहकर आंदोलनों को किया जाता है, और तुम उसी प्रदेश के युवाओं को रोक रहे हो, तुम उसी प्रदेश के युवाओं को धिक्कार रहे हो, धुतकार रहे हो, तुम उसी प्रदेश की मां बहनों को धुतकार रहे हो। ये कब तक चलेगा इस प्रदेश में? और हमें लगातार कल शाम से इतने फोन आ गए दोस्तों, सही बात है, वाई लाई हो, हजारों फोन आ गए यहाँ पे, सही बात है, लेटर जारी, फोन आ गए, इतने फोन आ गए, और इतना इन्होंने हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक लड़के का मुझे कल रात को फोन आया, लेटर जारी, लेटर। वो लड़का मुझसे रो रहा था 200 फोन पे, कह रहा था राम भाई ऐसा हुआ कि मैं कोचिंग में बैठा था, पीछे से आए और कहने लगे राम भाई क्यों है कल वहां मत चले जाना, उस रैली में मत जाना। और दोस्तों उस युवा ने बोला कि भाई साहब मेरा तो हक बनता है, मेरी रैली है, मेरी मांगे पूरी हो जाए इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने दादागिरी चल रही उत्तराखंड में, जो आरोप था दोस्तों उस पुलिस वाले ने किया, उस पुलिस वाले ने कहा कि आपको नहीं जाना है तो नहीं जाना है, आपके मुकदमे कर देंगे, आपको जो है जेल में डाल देंगे, आपको ये कर लेंगे वो कर देंगे। तो ये कोई तरीके है क्या? ये कोई तरीके है इस प्रदेश में? मैं पूछना चाहता हूँ प्रदेश के युवाओं को जो पीछे, ये कोई तरीका है क्या? नहीं, नहीं। आप हमारी मांगे मान लीजिए, आप हमारी उम्र सीमा बढ़ा दीजिए, आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में महिलाओं की सीट बढ़ा दीजिए, हम शांतिपूर्वक यहाँ से अभी चले जाते हैं। सही बात है, सही बात है। तो दोस्तों हम लोग ये चाह रहे हैं कि आज अभी हमारे और भी साथी जगह जगह से आ रहे हैं, सुनने में कल मैं आज सुबह रुकना मत बोलो, 6-7 बजे के लगभग मुझे और फोन आए, आई स्पीडेड से फोन आया मुझे कि सर ये इन्होंने रोडवेज बस में कब्जा कर लिया पुलिस वालों ने, आप बताइए रोडवेज बस में? सही बात है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप बताइए आप रोडवेज की बस में घुसकर जा रहे, बागेश्वर से हमारे बच्चे पहुंचे हैं, हल्द्वानी से हमारे बच्चे पहुंचे हैं, और आप रोडवेज बस में घुस घुस कर डंडे के बल पर डंडे आते जा रहे हो रोडवेज की बसों में, कि कोई यहाँ पर युवा भी बैठा है जो आज की रैली में जाएगा? अरे धिक्कार, शरम करो उत्तराखंड पुलिस, शरम करो। राज्य के बेरोजगारों से इतना डर चुके हैं क्या? इतना खौफ प्रदेश के मुख्यमंत्री को हो चुका है घर्षण भाग्या? क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना डरा हुआ है कि वो सिर्फ दो मांगों के लिए प्रदेश के युवाओं को रोडवेज की बसों से धक्के मारकर जो है अपने राज्यों की तरफ भगा रहा है, अपने जिलों की तरफ भगा रहा है? वो क्या मुख्यमंत्री इतने डरे हुए हैं कि आज वो प्रदेश की बहनों को राज्य गठन में जिन्होंने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी थी उन बहनों को आज जो है वो धुतकार रहे कि भाई इस रैली में मत आ जाना, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से? तो ये कहीं ना कहीं गुनाह है और इस गुनाह को उत्तराखंड का युवा माफ नहीं करेगा। मैं आपके साथ पहले भी था, उत्तराखंड बेरोजगार संघ आपके साथ पहले था,
हमेशा रहेगा, साथ रहेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी दोस्तों। और आगे आगे जो है वो हम मनवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। युवाओं से कहना चाहता हूँ, आज जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, आपने 9 फरवरी के दिन इतिहास रचा था, आपने 9 फरवरी को अपनी ताकत प्रदेश के युवाओं ने दिखाई थी, और उसी दिन रातों रात आप जानते हैं कि रातों रात इनको मजबूर होना पड़ा, और जो गहरी नींद में सोए थे पुष्कर सिंह धामी अपने मुख्यालय में, रातों रात उन्हें फोन जाता है कि भाई साहब यहाँ तो 15-20 हजार लड़कों ने घेर दिया है, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा मांग क्या है भाई साहब इनकी, कह रहे नकल रोधी कानून बनाना है। तो वही पर फोन में बोल दिया कि चलो बना दो। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वही पर फोन में बना दिया नकल रोधी कानून। तो ये शक्ति है हमारी। धामी जी भाग गए, धामी जी भाग गए, भाग। प्रदेश के युवाओं को समझना पड़ेगा, अगर आपको अपनी शक्ति समझ ली है दोस्तों, तो याद कीजिए 9 फरवरी का दिन, उस दिन आपने कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर चीजें की थी। लेकिन अब मैं अपनी वाणी को विराम देने की करता हूँ, और मैं ये और लेटर दिखा के हमें गिरफ्तारी का डर दिखा। सही बात है, लेटर आर के भाई, सही बात है। युवाओं की मांगे जैसे कि रामगढ़वाल ने चोरी करी होगी, गिरफ्तार कर लेते। अगर युवाओं की मांगे उठाने के लिए मुझे गिरफ्तार करना पड़ रहा है, गिरफ्तार होना पड़ रहा, तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे प्रदेश के युवाओं को, मेरे प्रदेश के जो माँ बहने जरूरी है, उनकी जायज मांगे पूरा होना। सही बात है, गिरफ्तार करना चाहे तो युवाओं के सामने गिरफ्तार होने के लिए भी हम लोग तैयार है भाई। कितना बल जाओगे, तुम लोग भी बहुत पछताओगे। सही बात है, बहुत पछताओगे, ये भी याद रखना। कितना ले जाएंगे भाई, एक चीज सुन लो राम भाई, बात सुनो बात, अगर राम भाई को कोई भी उठाता है तो सब जेल जाएंगे, सारे लड़के जाएंगे उनके साथ। अगर राम भाई को कोई उठाता है तो हम सबको भी उठाना पड़ेगा, उसी जेल में डालना पड़ेगा। आप लोग सबर कीजिए और एकजुटता के साथ रहिए, एकजुटता रहिए। आप थोड़ा बोले कि यार मैं थोड़ा चला जाता हूँ, थोड़ा इधर चला जाता हूँ, वो मत करना दोस्तों। आज आखिरी दिन है ये रैली, इसके बाद आप जानते हैं कि ये कितना प्रेशर कर रहे हैं, कितना दबाव बन रहे। तो इस रैली को दोस्तों देना, अगर हमें गिरफ्तार करते हैं तो मोर्चा आप लोगों को भी संभालना। सही बात है, मोर्चा संभालना पड़ेगा, मोर्चा हर युवा को संभालना पड़ेगा अगर ये गिरफ्तार करते हैं तो दोस्तों। और आंदोलन जारी रखना है, मांगे पूरी करवा के रखनी है। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।